पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। किसान चंबू बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली बॉर्डर पर आज भी कई जगहों पर जाम की स्थिति है। उधर चंबू बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन किसान दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हुए हैं। जगह जगह जाम पैदा हो गया है। एक तरीके से देश की राजधानी दिल्ली को बंधक बना दिया गया है। अब वो बंधक चाहे आप किसानों के द्वारा बनाया हुआ कहिए और चाहे सुरक्षा बलों के द्वारा बंधक बनाया हुआ कहिए, बॉर्डर सील्ड है पूरी तरीके से। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की फ्लाइट्स हैं, अस्पताल जाना है, बस स्टैंड जाना है, कोई कहीं नहीं जा पा रहा है। कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली में एक तरीके से जिसे कहा जाए कि रुकने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। एक और जहां कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि बातचीत के रास्ते ढूंढने की जरूरत है, तो वहीं दूसरी ओर किसान नेता सरवण सिंह पंधेर का कहना है कि सरकार की ओर से एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाए ताकि हम उस एमएसपी से नीचे फसल ना बेचें। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते। और हम बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान संगठनों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें, बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें। और उस अभी बातें आ रही हैं कि सरकार बोल रही है कि ये जो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये 23 फसलों के ऊपर एमएसपी अनाउंस करते हैं सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार, सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से। तो जिन फसलों के आप ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं बाकियों की खरीद नहीं करते, हम तो इतना ही कह रहे हैं ना उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस एमएसपी से नीचे हमारी फसल ना बने, तो इसमें कमेटी का तो सवाल नहीं है। वही किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा में बड़ी तैयारी की गई है। हरियाणा के डीजीपी ने बताया है कि हालात नियंत्रण में हैं और हम पूरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य के 15 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की 64 कंपनियां भी तैनात कर दी गई है। आंदोलन के चलते हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और हमारे प्रदेश के 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है और उसको सही तरीके से लागू करवाने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती की गई है। और इसी के चलते जो बैरिकेडिंग है और रूट डाइवर्जन्स का एक सारा प्रोग्राम बनाया गया है और जो प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में हमारे अम्बाला जिले और जींद जिले से लगते हुए बॉर्डर्स पर इकट्ठे हुए, उन्होंने कल भारी पथराव भी किया और बैरिकेड्स को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखते हुए इस सारे प्रयास को विफल किया। वहीं किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम चार बॉर्डर्स की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से आंदोलनकारियों को रोकने के लिए सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। इस तैयारी की तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ये भूल गया कि सिर्फ किसानों को ही नहीं रोकना है, उन्होंने आम जनता को भी रोक दिया है। लोगों को दफ्तर पहुंचना है, लोग दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे, लंबा लंबे जाम लग रहे, कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन आम नागरिकों के लिए नहीं की गई है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। बॉर्डर्स बंद होने के चलते आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर रास्ता बंद किए जाने के बाद सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ा है। जो मजदूर दिल्ली के टीकरी नागलोई इलाके से फैक्ट्री में काम करने के लिए बहादुरगढ़ जाता है, उसे अब 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस ने बेशक अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त मैं हूँ टीकरी बॉर्डर पर, जो इंडस्ट्रियल इलाका है, जो बहादुरगढ़ सोनीपत को जोड़ता है और दिल्ली के नज़दीक होने के चलते काफ़ी संख्या में लोग बहादुरगढ़ और सोनीपत काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन
यहाँ पिछले दो दिनों से सड़कों को बंद कर दिया गया है, पूरी तरीके से दिल्ली से हरियाणा जाने वाली सड़क को सील कर दिया गया है ताकि गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। लेकिन खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाते हैं। हजारों की तादाद में दिल्ली से लोग मजदूरी करने के लिए बहादुरगढ़ और सोनीपत जाते हैं। लगभग 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसी डिस्टेंस को ये लोग जो हमारे साथ लोग हैं ये जा रहे हैं। इनकी परेशानी काफी बढ़ गई। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। सर अभी आए हैं तो वहाँ रास्ता बंद है, वहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं, 1.5 किलोमीटर पैदल जाएंगे, 2 किलोमीटर। अच्छा सर, आने जाने में दिक्कत हो रही है, हमारी बस आगे खड़ी है। दिल्ली से सर आ रहे हैं, बहादुरगढ़ ड्यूटी करते हैं 17 सेक्टर में। अच्छा, कितना किलोमीटर का दूरी है आप लोग को तय करना पड़ता है? 10 किलोमीटर है सर यहाँ से। 10 किलोमीटर आप लोग पैदल जा रहे हैं? नहीं पैदल नहीं, आगे मिलेगा साधन ना। अच्छा। बहादुरगढ़ मार्केट से। अच्छा, बहादुरगढ़ मार्केट में आएंगे? हाँ, मार्केट से मिलेगा, ऑटो से जाते हैं। तो यहाँ कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? यहाँ दिल्ली से, नागलोई से आ रहे हैं। आप बताएं आप कहाँ जा रहे हैं? सर नागलोई से। नागलोई से आ रहे हैं जी सर, पैदल आ रहे हैं जी? नहीं पैदल तो यहाँ से टिकरी बॉर्डर से, ये रास्ता सारा जाम है। अच्छा, इसलिए मतलब हम लोगों को परेशानी हो रही है, काफी दिक्कत है, हमें रोज वहाँ से उतरना पड़ता है, वहाँ पैदल जाना पड़ता है। किराया भी लोग जो प्राइवेट ट्रेवल्स हैं वो बहुत पैसा लेते हैं, जो प्राइवेट ट्रेवल्स हैं बहुत पैसा लेते हैं। बहादुरगढ़ जा रहे हैं जॉब करने। जॉब करने के लिए जी? किस तरह की दिक्कतें हो रही? बहुत दिक्कत हो रहा है सर, बहुत। आप बताएं किस तरह की दिक्कत हो रही है? सर ड्यूटी जाने में दिक्कत होता है हम लोगों को। अच्छा, एक्चुअली जाने आने में दिक्कत बहुत होता है। तो इस तरह से तमाम जो लोग हैं जो दिल्ली से बहादुरगढ़ सोनीपत ड्यूटी के लिए जाते हैं उनकी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि गाड़ियों का आवागमन आवाजाही आप कहें बंद हो चुका है, क्योंकि इधर दिल्ली से दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया है। वहीं दूसरी